आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी थीम्स के बारे में जो कि आपके MIUI 10 के जो फ़ोन का है लॉक स्क्रीन है उसको फुल्ली कस्टमाइज कर जाती हैं। काफ़ी सारे आपको इसके अंदर फीचर्स देखने को मिलते हैं और काफ़ी बेहतरीन थीम्स मानी जाती हैं जो लॉक स्क्रीन को फुल्ली कस्टमाइज करते हैं। आपको काफ़ी सारे एनिमेशन इफेक्ट्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं, तो ये वीडियो उसी के ऊपर है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं आपको टोटल 3 थीम्स दिखाऊंगा जो सारी फ्री हैं और आपको आपके थीम स्टोर के अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 थीम्स दिखाने वाला हूं, जो तीनों थीम्स के नाम जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं। जो तीनों थीम्स जो हैं वो फ्री हैं और फुली कस्टमाइजेबल लॉक स्क्रीन के साथ आती हैं। तो सबसे पहली थीम जो हम आज अपने फ़ोन के अंदर यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है जे लैब्स। एक 20.7 MB की थीम है जिसका डिज़ाइनर जो है वो है JP है और इसको जो है काफ़ी लोगों ने इंस्टॉल किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ आपको लुक जो है इस तरीके देखने को मिलता है। आपको देखिए ऊपर एक एनिमेशन इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, आपका आइकन पैक चेंज हो जाता है, आपका जो पूरा सेटिंग पैनल है वो पूरा डार्क हो जाता है और वाइट बैकग्राउंड के साथ कुछ आपको देखने को मिलता है। क्विक टॉगल्स कुछ आपको इस तरीके के इसके अंदर देखने को मिलते हैं। डायलर पैड भी आपका जो है इसमें डार्क मोड पर चला जाता है। सबसे अच्छी बात है कि लॉक स्क्रीन के अंदर इसके अंदर एक साउंड इफेक्ट है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आप इसके अंदर जो है काफ़ी सारे एनिमेशन इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपको यहाँ पे कैलेंडर मिल जाता है, आपको यहाँ पे म्यूजिक प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, आपको ऊपर वेदर टेम्परेचर देखने को मिल जाता है और काफ़ी सारे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे फ़ोन का, मैसेज का, आपको वेदर चेक करने का। ये सारे के सारे ऑप्शन आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशन मिलते हैं जो कम्प्लीटली आपके MIUI 10 का जो फ़ोन है उसका जो लुक है वो चेंज कर देते हैं। सिंपल सी थीम है, सिर्फ अराउंड 20 MB के आसपास आपको ये थीम स्टोर के ऊपर मिल जाएगी। आप इसके ऊपर टैप करेंगे कुछ अलग सा एक आपको एनिमेशन इफेक्ट और एक साउंड इफेक्ट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये थी हमारी पहली नंबर थीम जिसका नाम था मैंने आपको बताया जे लैब्स थीम। सेकेंड नंबर थीम जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है कूल थीम, COOL। ये रही वो थीम। इसमें आपको एक 3D इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा कोई एनिमेशन नहीं है बट 3D इफेक्ट काफ़ी अच्छा लगता है कई बार आपके लॉक स्क्रीन के ऊपर। तो ये रही, ये 4.4 MB की थीम है और इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ ये कुछ किस तरीके की आपको थीम देखने को मिलती है। तो ये देखिए कुछ आपको इस तरीके की थीम देखने को मिलती है। आपको इसके अंदर जो है बैकग्राउंड में 3D इफेक्ट देखने को मिलता है, आपके जो आइकन से स्टेटस बार पे वो चेंज हो जाते हैं, थोड़े से लॉक स्क्रीन जो है आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है जिसमें आपको एक साउंड इफेक्ट देखने को मिलता है। ये देखिए और आप देख पा रहे हो कि पीछे जो ये जो पिक्चर्स हैं इसमें आपको एक थोड़ा सा 3D इफेक्ट देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए आपको इस तरीके की थीम है, काफ़ी अच्छा सा आपको लुक देखने को मिलता है। सेटिंग पैनल जो है आपका इस तरीके का देखने को मिलता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस आपको एक जो है 3D इफेक्ट आपको इस थीम के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी थीम है जिसके अंदर लॉक स्क्रीन के अंदर आपको एक कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है और इसमें सारे फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट सेंसर परफेक्टली इसके अंदर काम कर रहे हैं। तो ये तो होगी हमारी सेकेंड नंबर थीम। अब जो थर्ड नंबर थीम है उस थीम के अंदर भी काफ़ी सारे आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं ना, जिसका नाम है यप थीम। ये रही वो थीम, देखिए ये भी 53.8 MB की थीम है और इसके डिज़ाइनर जो है FFL टैंक का नाम है। ये भी काफ़ी पॉपुलर थीम है कस्टमाइजेशन और एनिमेशन के मामले में। तो ये देखिए थीम को हम अप्लाई कर चुके हैं। थीम अप्लाई करते ही कुछ आपका जो आइकन स्टेटस बार के पूरा चेंज हो जाता है, आपको कुछ इस तरीके का वेदर और क्लॉक का विजिट इसके अंदर देखने को मिल जाता है। जो क्विक टॉगल्स हैं वो आपके कुछ इस तरीके के आपको देखने को मिलते हैं, सेटिंग पैनल भी आपका थोड़ा इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है और डायलर पैड भी आपका कम्प्लीटली इसमें चेंज हो जाता है, ब्लैक बैकग्राउंड के साथ वाइट बटन आपको देखने को मिलते हैं, आपका मैसेज पैनल वो भी आपका चेंज हो जाता है। जो मेन हाईलाइटेड फीचर है वो आपको इसके लॉक स्क्रीन में देखने को मिलते हैं। तो ये देखिए लॉक स्क्रीन में कुछ ऐसा एनिमेशन आपको इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। आप क्लॉक पे इसको टैप करके इसको अनलॉक कर सकते हैं। नीचे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे फेवरेट, आप यहाँ पे काफ़ी सारी एप्लीकेशन को अपने फेवरेट को यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे वेदर रिपोर्ट मिल जाती है, ये वापस आपको होम स्क्रीन यानी लॉक स्क्रीन के ऊपर ले आएगा। अगला बटन जो है आपको म्यूजिक प्लेयर, जहाँ से आप अपने म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं। और लास्ट बटन जो है कैलेंडर का है, जिसमें आप कैलेंडर को इसमें यहाँ पे इजीली यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आपको एक इस तरीके देखिए आपको एक एनिमेशन इफेक्ट देखने को मिल रहा होगा, जहाँ जहाँ मैं फिंगर मूव कर रहा हूँ ये देखिए, और ऐसे आप इसको अनलॉक भी कर सकते हैं। तो ये जो 3 थीम्स थी इनमें सिर्फ वो थीम्स थी जिसमें आप अपने जो लॉक स्क्रीन है उसको कम्प्लीटली आप
चेंज कर पाते हैं। अदरवाइज होता क्या है, मोस्ट वाली सारी थीम्स जो होती हैं उसके अंदर लॉक स्क्रीन में इतने सारे जो है आपको एनिमेशन इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर आप अपने लॉक स्क्रीन के अंदर एनिमेशन इफेक्ट्स देखना चाहते हैं देन आपको ये तीनों थीम्स जो है एक एक करके ट्राई करनी चाहिए। तीनों थीम्स फ्री हैं, सारी थीम्स के नाम है मैंने नीचे मैंशन कर दिया है जहाँ से आप इनको डाउनलोड करके अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये कोई थर्ड पार्टी थीम्स नहीं है, ये MIUI स्टोर की आपकी अपनी थीम्स है। इसमें आपके नेविगेशन बार बटन जो है सारे कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं। तो बस ये छोटा सा वीडियो इसी के ऊपर था कुछ लॉक स्क्रीन थीम्स के बारे में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।